बिहार बंद के समर्थन में पप्पू यादव सड़कों पर उतर चुके हैं और देख सकते हैं कि जंजीर लगाए हुए हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ वाम दलों के गुरुवार को बुलाए बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव मचाया और गुंडागर्दी की है। गुरुवार सुबह राजधानी पटना समेत विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ताओं ने जाकर न केवल दुकानों को जबरन बंद कराया बल्कि कई वाहनों को भी निशाना बनाया। पटना के व्यस्त डाक बंगला चौराहा पर जेपी कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया और उनके शीशे तोड़ दिए। डाक बंगला चौराहा पहुंचे पप्पू यादव के समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही राजधानी के अन्य इलाकों में भी जेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें सामने आ रही है। आरा में भी जाप कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग मचाया। पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव खुद भी सड़क पर उतरे और उन्होंने अपने समर्थकों का जोश बढ़ाया। पप्पू ने कहा कि केंद्र सरकार देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है। संविधान की रक्षा और देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। देश संविधान को आप खत्म कर रहे हो, आप इस देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अधिकार और संस्कृति को छीन रहे हो, आप स्टूडेंट पर गोली चला रहे हो, आप जालियांवाला बाग से बदतर स्थिति देश का कर दिए हैं, आप नफरत किस NRC किसका, 70 के पहले किसका, कौन से अनुसूचित जनजाति जनजाति और समाज के लोगों के पास पासपोर्ट है, कौन से कागजात हैं, आप जब आप मंदिर मस्जिद में तोड़ नहीं सके, जब आप 370 में देश को अलग नहीं कर सके, जब आप महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा में हार गए, तो झारखंड के लिए आप देश तोड़ने लगे। बिहार बंद के दौरान पटना के राजेंद्र नगर कंकड़बाग रोड में भी बंद समर्थकों ने रोड जाम किया। बंद के कारण जाम में स्कूल बसों में छोटे छोटे बच्चे फंसे रहे, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं के हुड़दंग के बावजूद पुलिस तमाशा देखती रही।